अस्सलाम वालेकुम, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। और मैं हूं आपका दोस्त आसिफ चौधरी। और सभी भाई कैसे हैं? भाई सब बढ़िया जी। दोस्तों, तो आज की जो हम डिलीवरी करवाने जा रहे हैं बच्चों की, ये जी हरिद्वार उत्तराखंड की डिलीवरी होने जा रही है, जिसमें मनीष भाई के हमारे पास में 4 बच्चे बुक थे। ठीक है दोस्तों, तो आज मनीष भाई के पास में हम दूसरी बार बच्चे पहुँचा रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब से पहले अभी हमने पीछे सीजन पे इसी साल ही पहुँचाए हैं, 6 बच्चे पहुँचाए थे मनीष भाई के पास में। उनके पास काफ़ी अच्छा रिजल्ट निकला था हमारे बच्चों को, उन्होंने बाजी वगैरह भी जीती थी हमारे घर के बच्चों से जो है, ठीक है ना। तो उन्होंने फिर हमारे पास में 4 बच्चे दोबारा बुक कर रखे थे, जो कि आज उनकी डिलीवरी है। आज हम वो बच्चे आज उनके पास पहुँचा रहे हैं, ठीक है दोस्तों, मनीष भाई की उत्तराखंड, ये हरिद्वार, ठीक है दोस्तों। और बच्चे जो देने हैं मनीष भाई को, वो मैं आपको दिखाता हूँ, उन बच्चों का मैं आपको शौक कराता हूँ। बच्चे देखना दोस्तों, आपको मज़ा आएगा देखने वाले। लाल चमेलियों में से बच्चे हैं, ये पहला बच्चा ये है दोस्तों, ये मेरे बड़े लाल चमेलियों के माँ बाप के डायरेक्ट बच्चे हैं, जो और लोगों को दिए हैं मैंने वो बच्चों के बच्चे दिए हैं, ये डायरेक्ट बड़े कबूतरों के बच्चे हैं, ठीक है ना। बहुत उड़ान है दोस्तों इनके अंदर, ठीक है। और इसके मैं आपको पर दिखाता हूँ बच्चे के, ठीक है दोस्तों। और इस बच्चे का जो रिंग नंबर है दोस्तों, ये 200 रिंग नंबर है जी इस बच्चे का, ठीक है जो जी 200, ठीक है जी। अब आपको हम जो है दूसरा बच्चा दिखाते हैं जी दोस्तों, ये दूसरा बच्चा है, इसी बच्चे के साथ का, दोनों बच्चे एक ही झोल के हैं और धन्य वाली नस्लों में से ये बच्चे हैं जी, ठीक है दोस्तों। धन्य वाली नस्लों में से बच्चे हैं। और दोस्तों आपसे एक दो बात मुझको और करनी थी, मैं आपको इस बच्चे का पहले कंप्लीट शो करा देता हूँ। ये 63 इस बच्चे का रिंग नंबर है जी, 63, ठीक है दोस्तों। और ये पर हैं जी बच्चे, ठीक है दोस्तों। मुझे को बात जो करनी है, देखो अभी पीछे एक भाई का मेरे पास फ़ोन आया था, मुझसे बोला भाई हमें बच्चे चाहिए। मैं बोला ठीक है भाई मिल जाएंगे, आप बच्चे जो है बुक करा लो। तो बोला भाई बुक कैसे होते हैं बच्चे? मैंने कि देखो ऐसा होता है, जैसे 2000 रुपये पर का एक बच्चा है, आप जितने बच्चे लोगे, अगर आप 5 बच्चे लेते हो तो आपको 5000 रुपये पहले जमा करने हैं मेरे पास में, थोड़े बहुत कम भी कर सकते हैं, और जब आप बाकी पैसे जब उससे बच्चे लेने के लिए आओगे जब देने हैं आपको, ठीक है। तो मुझसे क्या कहता है भाई, भाई पैसे वैसे नहीं देंगे भाई हम डलवाने के नहीं है पैसे आपके अकाउंट, हम तो डायरेक्ट आके लेंगे। मैं उसको समझाने लगा भाई ऐसे नहीं मिलते बच्चे मेरे पास में। तो मुझसे कहता है भाई हम पैसे नहीं डालने के, हमारे पैसे तो मर जाएंगे, हमने डाल के देख रखे हैं लोगों के में और हमारे पैसे वापसी नहीं मिले थे। मैं उनसे बोला देखो भाई ऐसा है, आदमी इंसान देख के, उसको देख के डालो ना, कौन बंदे का कैरेक्टर कैसा है, ठीक है ना। अब किसी पे डाल रहे हो, अब मुझे क्या पता किस पे डालो, हर एक बंदा इस लाइन में सेम थोड़ी नहीं है भाई। अब आप मुझ पे भरोसा करके डालोगे तो भाई मैं आपका भरोसा थोड़ी नहीं तोड़ूंगा, मेरा तो काम है यार। ये एक बात बताओ, मैं लोगों को कितने बच्चे सेल कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपके 2000-4000 रुपये रख के क्या मालदार हो जाऊँगा क्या भाई, ये बताओ। फिर मैंने उसको समझाया, मैंने कि भाई देख इंसान की एक वैल्यू होती है जो कि हर बंदे को समझ में नहीं आती कि भाई इसमें क्या है, क्या क्वालिटी नहीं है। अब तुम एक तो बेच रहा है 500 रुपये पर कबूतर, एक बेच रहा है 600 रुपये पर कबूतर, अरे एक बेच रहा है 2000 रुपये पर कबूतर, ठीक है ना। तो क्वालिटी है ना कुछ इनके अंदर, ठीक, 500 वाला, 600 वाला, प्लस अब 2000 वाला, तो किसको पैसे डाल रहे हैं आप? 500-600 वालों को डालोगे तो भाई वो तो जाहिर से पैसे खाएगा ही खाएगा। मैं किसी भाई को गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं एक वैसे आपको बात बता रहा हूँ सिर्फ, मैं किसी को वैसे कुछ नहीं कह रहा। अब मेरे पास आप पैसे डाल रहे हो भाई, आपके पैसे बाकायदा मेरे पास लिखे रहते हैं, मुझे खुद फिक्र रहती है जी, मुझे आपके पास बच्चे पहुँचाने हैं, मैं आपका कर्जदार हूँ, ठीक है ना, आपके आपके पैसे हैं मेरे ऊपर। तो इस चीज़ को आप ज़रा समझा करें, इंसान को देख के थोड़ा पैसे डाला करें आप। ये नहीं है कि मेरे पास पैसे डाल दोगे आपके पैसे खत्म हो जाएंगे, नहीं भाई, ठीक है ना, आपके बच्चे बुक होंगे तरीके से जैसे हर एक इंसान के होते हैं मेरे पास में, ठीक है भाई। तो अगर आप मेरी वीडियो दोस्तों पहली बार देख रहे हैं तो मेरा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, इधर नीचे देखो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा आता है, उसका फ़ायदा आपको मिलेगा कि अगली मेरी वीडियो जो भी होगी वो आप तक पहुँचेगी सबसे पहले। जिस रंग का मेरा टी शर्ट है ना, इस रंग का सब्सक्राइब लिखा आता है नीचे, उसको क्लिक करो, उसके बगल में घंटी आई, घंटी को क्लिक करो, ठीक है ना दोस्तों।
और इंस्टाग्राम पर अगर आपने मुझको फॉलो नहीं करा तो दोस्तों इंस्टाग्राम पर आप मुझको जरूर फॉलो करें, वहाँ पे छोटी छोटी वीडियो की अपडेट मैं हमेशा देता रहता हूँ। न्यू जोड़े, बच्चे, बाजी वगैरह में जाना या कहीं पे जैसे मैं जाता हूँ किसी कबूतर बाज के यहाँ छोटा मोटा शौक करा देता हूँ, तो हर एक स्टोरी आपको इंस्टाग्राम पर देखने के लिए मिलेंगी। तो ये थी कुछ बातें जो आपसे मैंने करी हैं दोस्तों, ठीक है ना। थोड़ा सा मेरी बात को समझना आप, मैं किसी के लिए ठेस नहीं पहुँचा रहा, कोई मैंने बात गलत नहीं बोली वैसे तो, लेकिन मैं बता रहा हूँ भाई मुझसे बोला भाई हमारे ऐसे है ये वैसे, मैंने कहा नहीं यार मेरे पास ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी को दिक्कत हुई है तो भाई कोई भाई कमेंट करके बताए कि हाँ भाई के पास में किसी को कोई दिक्कत हुई है, ठीक है ना। तो जो दो बच्चे बच रहे हैं आपको, वो बच्चे मैं आपको दिखाता हूँ जी। दोस्तों तीसरा बच्चा ये है जी, ये बच्चा धन्ने वाला और जंटे वालों का मिक्स है, ठीक है दोस्तों। और बहुत उड़ान के मालिक हैं, बेहिसाब उड़ान के मालिक हैं। इनके बहन भाई मेरे हैं, बहुत उड़े हैं भाई, ठीक है ना, घर भी और बाहर की बाजियों में मैंने बहुत उड़ाए हैं। अब से पहले जो बच्चे दिखाए थे ना उनका तो खैर तोड़े नहीं है कुछ भी लालचीनों वालों का, ठीक है ना दोस्तों। ये धन्ने वाले जंटे वालों के मिक्स बच्चे हैं, ठीक है। और जाने कितने भाइयों को मैंने दूसरी दूसरी बार बच्चे पहुँचाए हैं, अभी आपने देखी हुई है, सब वीडियो में डालता रहता हूँ यूट्यूब के ऊपर। 125 है जी इस बच्चे का नंबर जी, 125 यहाँ पर देखिए। ठीक है जी, ये बच्चा वो आपको जो हम लास्ट बच्चे का शो करा देते हैं जी। दोस्तों ये चौथे नंबर का बच्चा है, जो अभी बच्चे मैंने आपको दिखाया था ना उसका सगा भाई है, एक झोल गई है दोनों, ठीक है जी। धन्ने वाले और जंटे वाले का मिक्स है, आप मेरी बात का यकीन मानना दोस्तों। इनका जो बाप है ना, मेरे यहाँ बिल्कुल बढ़िया गर्मी जब पड़ती थी ना 43-44 टेम्परेचर पड़ता था, 3-3, 4-4 बजे 5-5 बजा देता था, और मैं छतरी लगा दिया करता था 2:30-3 बजे, मैंने कहा अभी इसको उतार लेता हूँ, और छतरी को देख के फिर गोल मारता था आसमान में और फिर खड़ा, फिर लंबा लंबा चलने लगता था ऐसे तुक बांध के ये। और सफ़ेद बच्चा कोई कोई निकालता है वो अपने ऊपर, इसका जो मतलब बाप है वो बिल्कुल वाइट है, वाइट आँख का है, और सफ़ेद बच्चा कोई कोई निकलता है उसके ऊपर, जैसे कि ये बच्चा निकला हुआ है, स्पेशल बच्चा निकला हुआ भाई, यकीन मानना मेरी बात का, ठीक है ना। ये दोनों बच्चे सफ़ेद आँख के निकलेंगे, पर देखिए आप बच्चे के दोस्तों। और जो इस बच्चे का रिंग नंबर है 145, इस बच्चे का रिंग नंबर है, ठीक है दोस्तों, जो हमने आपको ये वाला बच्चा दिखाया है 145, ठीक है जी। तो ठीक है ना दोस्तों, तो आप थोड़ा विश्वास करना सीखें कि हम पैसे किसके पास डाल रहे हैं, कैसे बंदे के पास डाल रहे हैं, ठीक है ना। हर एक बंदा देखो ऐसा नहीं है कभी आपके पैसे खाने के लिए बैठा है। मैं मानता हूँ आजकल YouTube के ऊपर चोर बाजारी बहुत चल रही है, ठीक है दोस्तों, YouTube के ऊपर चोर बाजारी बहुत चल रही है दोस्तों, ठीक है। लेकिन हम किसी को अब जज नहीं कर सकते, अब कौन बंदा क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा, ठीक है दोस्तों। तो आप मेरी बात को थोड़ा समझें, मैं आपको क्या कहना जा रहा हूँ। मैं किसी भाई के लिए मैंने कोई बात नहीं बोली, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा, लेकिन मैं इतना बोल रहा हूँ यार, अब उसमें मैं भी आ गया ना, फिर मुझको थोड़ा अच्छा सा नहीं लगा जब उसने ऐसा मुझसे कहा। फिर उसके साथ का जो बंदा था उसका मुझे फ़ोन आया फिर दोबारा, तो मुझसे वो कहने लगा कि भाई वो तो थोड़ा ऐसी है ना समझ बंदा है ये वो, आप हमारे फिर भी दो बच्चे बुक कर लो। उस भाई ने कहा फिर भी हमारे दो बच्चे बुक कर लो, उसको कितनी समझ नहीं है कबूतर के बारे में। मैंने कहा भाई समझ नहीं तो तुम मुझसे बात ही मत कराते उस बंदे की, ठीक है ना। तो बाकी दोस्तों मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो।